इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जिनका भी सीजीएल 2021 या फिर सीएचएसएल 2021 के अंदर आज रोजगार मेला था, उसमें अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर अगर मिला है तो उसमें हम तीन चार पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिसमें पहला होगा कि कब तक ज्वाइन कर लेना सही रहेगा और ज्वाइनिंग जल्दी करने से क्या कुछ बेनिफिट रहती है, इंक्रीमेंट का जो लॉस अभी होने वाला है आपको उस पर हम बात करेंगे आपका। और उसके अलावा अभी अगर आप एक्सटेंशन के लिए देख रहे हैं तो एक्सटेंशन कैसे ले सकते हो, क्या प्रोसीजर रहता है, कितने महीने का ग्रांट होता है आपका और कितने दिन का अभी मिल पा रहा है आपका और क्या प्रोसीजर है, वो सब कुछ हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। देखो नया सेटअप किया गया, आप मुझे पहली बार देख पा रहे होंगे, अभी तक वॉइस सुना होगा, चार पांच दिन इसी में लग गया, ऑडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, वीडियो में भी बहुत कुछ टाइम लगेगा, नया सेटअप रहता है, नई चीजें रहती है तो प्रॉब्लम आती है, फिर भी मैं जितना भी बेस्ट हो पाऊंगा इसको डे बाई डे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग कि आज जो रोजगार मिला था सीजीएल 2021 के अंदर और 10+2 सीएचएसएल में बहुत सारी एलडीसी की पोस्ट है उनमें आपको आज ज्वाइनिंग लेटर दिया गया होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। बात करें अगर हम इधर सीएजी की, यार सीएजी का भी रुका हुआ है, चांसेस बहुत हाई है कि आपको इस महीने के एंड तक या नेक्स्ट रोजगार महीने तक आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, लोकेशन तब तक हो जाएगा। और सीजीए वाले भी रुके हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट रुका हुआ मैं उसका एक सेपरेट वीडियो करके आप तक अपडेट करवा दूंगा। पहले हम बात करेंगे इसमें कि क्या कुछ टाइमिंग रहेगा ज्वाइन करने का, आपको आज मिला होगा कि आपको इस डेट के अंदर तक आके ज्वाइन कर लेना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी डिपार्टमेंट आपको मिला हुआ है आप उसको 30 जून से पहले पहले जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका कारण ये है आपका कि आपका जो पहला इंक्रीमेंट लगता है ज्वाइन करने के बाद, जब भी आप कोई नई पोस्ट ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो पहला इंक्रीमेंट सर्विस ज्वाइन करने के विदिन 6 मंथ के अंदर आपको मिलता है फर्स्ट इंक्रीमेंट आपका, और उसके बाद आपका हर साल का मिलता है आपका। तो ये जो इंक्रीमेंट लगते हैं वो दो डेट पर लगते हैं आपको, या तो वो 1 जनवरी को लगता है या तो फिर वो 1 जुलाई को लगता है, राइट, 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई। और रूल ये है कि जब आप ज्वाइन करते हो तो विदिन 6 मंथ आपके पूरे हो जाने चाहिए, 1 जनवरी को या 1 जुलाई को। तो अगर आप टोटली समझेंगे तो अगर आप 30 जून से पहले ज्वाइन कर लेते हैं, जो भी 30 जून 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका अगला इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2024 को लग जाएगा, मतलब आपकी सैलरी एक बढ़ जाएगी और वो 6 महीने आप, मतलब अगर आप लेट कर दोगे 30 जून के बाद अगर करते हो तो आपकी 6 महीने 1 जनवरी को पूरे नहीं हो पाएंगे, तो आपको फिर जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा, तो आप 6 महीने सैलरी में लॉस में जाओगे और अल्टीमेट लॉन्ग रन में आपको ये नुकसान करेगा। तो जिनका भी आ गया आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप 30 तारीख तक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। रही बात एक्सटेंशन के लिए, अभी सीजीएल 2023 आगे लगा हुआ है, कई सारे लोग लोकेशन 22 का खोज रहे हैं कि क्या मिलेगा, तब हम देखेंगे, सबके अपने अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो अगर आप एक्सटेंशन के लिए देख रहे हैं तो अभी एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा उस मोड में है कि स्टाफ की दिक्कत है, जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइन कराना चाहता है, तो इसमें क्या है कि वो पूरा फोकस करेगा कि आप ज्वाइन कर लें कैसे भी करके। लेकिन आपको अभी 2 महीने तक का मैक्सिमम 2-3 महीने, डीओपीटी का रूल है 6 महीने तक का, 6 महीने तक अगर आपका ज्वाइनिंग नहीं आता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 6 महीने भी ग्रांट नहीं हो रहे हैं, 2 महीने 3 महीने डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ऑफिस टू ऑफिस ये वैरी कर रहा है आपका, तो आपको ये मिल जाएगा। तरीका क्या है लेने का आपका, तो जैसे मान लीजिए आपको आया है कि आपको 30 तारीख तक ये वाला ऑफिस यहाँ जाकर के रिपोर्ट करना है, तो जहाँ भी आपको रिपोर्ट करना है अगर आपका डिपार्टमेंटल डीवी हो गया है, तो अगर डीवी नहीं हुआ है तो आपको पहले डीवी कराना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने पड़ेंगे, और जब आप डॉक्यूमेंट्स चेक कराने जाओगे तो तब आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मुझे आप इतने दिन का एक्सटेंशन ग्रांट करिए, उनको एक एप्लीकेशन दे सकते हैं या उनको प्रोसीजर पूछ सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। अगर आपका डीवी हो रखा है और सीधा आप ज्वाइन करने के लिए आपका आया हुआ है, तो आप एक एप्लीकेशन भेजिए और एक मेल भी कर दीजिए, किसको भेजना है, जहाँ से आपका ये आया हुआ है ज्वाइनिंग लेटर, जहाँ ज्वाइन करने के लिए आपको आया हुआ है वहीं पर भेजिए आप उनको, और रीजन आप उसमें क्या डालेंगे, रीजन में आप अपने फैमिली में किसी का हेल्थ इश्यूज बता सकते हो कि मम्मी की या फादर की तबीयत ठीक नहीं है, उनके केयर के लिए एक तरीका, एक ये रीजन हो सकता है। साथ में आपको अटैचमेंट यानी कोई मेडिकल रिपोर्ट अगर उनकी चल रही है वो लगा सकते हैं, अपना हेल्थ का यार ठीक नहीं रहता है, बिकॉज अभी आपने मेडिकल वगैरह बना के दिया अपना कि आप फिट हो, और फिर अगर आप करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। शादी वगैरह का भी एक रीजन हो सकता है, कई लोगों की शादी का हो सकता है, अगर आप एग्जाम्स के लिए मांगेंगे तो ग्रांट नहीं करेंगे, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेडिकल ग्रांट के बेसिस पर देख लीजिए,
और 22 का अगर आपका एलोकेशन की बात करोगे तो वो कहीं ना कहीं अगस्त सितंबर आपका खींच के जाएगा, क्योंकि प्रोसेस लेट हो रहा है, खासकर सीएजी वाले काफी कैंडिडेट है, उसमें वैकेंसी बहुत थी सीएजी के अंदर, उसमें वक्त लग जाएगा आपको। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सटेंशन तब तक लेके रखिएगा, और कोई तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर लिखिएगा, टेलीग्राम चैनल पर लिखिएगा, लिंक नीचे दिया हुआ है। और आप किसी भी तरह की हेल्प के लिए अगर आप रिप्लाई नहीं पहुंच पा रहा, थोड़ा दिन वेट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आप तक चीज़ें समय पर टाइम पर पहुंच पाए।